हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपियाना। मैं सौम्या सिंह। आज आपके लिए हम आलू परवर फ्राई सब्जी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यहाँ मैंने परवल लिया है, आलू लिया है, ये दोनों 250 ग्राम है और इन दोनों को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर मैंने इसे लंबे आकार में काट लिया है। ये देखिए इस तरह। एक बड़ी प्याज ली और उसे लच्छे आकार में काट लिया है। दो से तीन हरी मिर्च को बारीक काटा है। आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, इसे मैंने घर पर बनाया है, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, सरसों का तेल लिया है और नमक लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी है गैस पर, उसमें 1.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे, हरी मिर्च को डालेंगे, प्याज को हमें बहुत लाल नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बहुत लाल नहीं किया है प्याज को। अब इसमें हम कटे हुए आलू डालेंगे और इस समय मैंने गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर दिया है। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको ढक देंगे। बीच में एक बार चला देंगे इसे। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम कटे हुए परवल डालेंगे। सभी चीजों को मिक्स करके फिर से हम इसे ढक देंगे। बीच में हम 1 से 2 बार इसे चला लेंगे। परवल आलू हमारे आधे से ज्यादा पक चुके हैं तो इसमें हम हल्दी का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे। गरम मसाले को हम बाद में डालेंगे। सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं और एक बार फिर से इसे ढक देते हैं। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे। परवल आलू को हमको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाते हैं और ऊपर की लेयर हल्की सी रेड नहीं हो जाती है। बीच में इसे चलाते रहें। तो यहां हमारे परवल आलू की सब्जी पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट इसी तरह खुला पका लेंगे जिससे परवल आलू की ऊपर की लेयर हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। मैंने यहाँ गैस को बंद कर दिया है और ये परवल आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है सर्व करने को। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं, पूरी रोटी पराठे के साथ सर्व करें। ये बड़ों और छोटों को सबको पसंद आएगी, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये आपको कैसी लगी हमें लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।